Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. Guys, आज की जो वीडियो है आज की जो वीडियो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप एफ एन ओ ट्रेडर हैं तो कायज़ आप जब भी एफ एन ओ ट्रेडिंग करते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं आपने एक चीज़ हमेशा लोगों के मुंह से सुनी होगी कि ट्रेडिंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रेडिंग इज़ गैम्बलिंग जब एज अ प्रोफेशन भी हम किसी से बात करते हैं अपने बड़ों से घर में बात करते हैं कि मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ मैं स्टॉक मार्केट में अपने कैरियर बनाना चाहता हूँ तो हमें एक ही चीज़ सुनने को मिलती है नहीं जी स्टॉक मार्केट में कैरियर नहीं बनाते क्योंकि स्टॉक मार्केट एक बिजनेस नहीं है स्टॉक मार्केट एक कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं है स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है और स्पेशली एफ एन ओ ट्रेडिंग मतलब फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग है और उसमें हमेशा पैसा पैसा डूबता है पैसा बनता नहीं क्या कभी आपने सोचा है कि हमेशा हमें ये क्यों सुनने को मिलता है कि एफ एन ओ ट्रेडिंग गैम्बलिंग है या स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है हमें स्टॉक मार्केट क्यों नहीं करनी चाहिए कभी आपने सोचा है लेट डिस्कस अबाउट दैट इन दिस वीडियो कैज आप आजकल जब भी आपने देखा होगा जब भी हम अपने ब्रोकर के अकाउंट पे लॉग इन करते हैं जैसे हम अपने ब्रोकर के अकाउंट पे लॉग इन करते हैं हमारे पास एक वार्निंग लिखी आती है कि नाइन आउट ऑफ टेन पीपल लूज मनी इन एफ एन ओ ट्रेडिंग एवरेज लॉसेज ऑफ फिफ्टी थाउजेंड रुपीज यू ऑलवेज सी दिस वार्निंग ऑन योर ब्रोकर साइड आप में से कितने लोग सच में बताना दिल पे हाथ रख के सोचना आपने कितने लोग उस वार्निंग को देख के सोचते हैं कि ऐसा हमारा ब्रोकर बोल क्यों है वाई दिस वार्निंग इज कमिंग एवरी डे ऑन माई स्क्रीन screen whenever आई ओपन my ब्रोकर अकाउंट की आप में से नाइन्टी परसेंट लोग उस चीज़ का ही नहीं करते होंगे सिर्फ देखते होंगे आई अंडरस्टैंड बटन दबाते होंगे चलो जी ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं कभी आपने वो वार्निंग देखी एक मिनट का पोज लेके सोचा है कि क्यों ऐसी वार्निंग आ रही है हम क्या करते हैं जस्ट आई अंडरस्टैंड बटन दबाते हैं कि मुझे तो सब पता है एंड स्टार्ट आवर ट्रेडिंग सेम लाइक अ स्मोकिंग जब भी जो स्मोकर स्मोकर होता है जब भी वो अपने सिगरेट का पैकेट लेता है उसके ऊपर साफ एक वार्निंग लिखी होती है कि सिम स्मोकिंग इंजोरियस टू हेल्थ स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है बट जो स्मोकर होता है ही नेवर अंडरस्टैंड दैट वार्निंग वो बस अपना उस वार्निंग को इग्नोर करता है अपना स्मोक करता है उसको लगता है ठीक है मेरे साथ ऐसा नहीं हो तो एफ एन और ट्रेडिंग इतनी रिस्की क्यों है एफ एन और ट्रेडिंग को गैम्बलिंग क्यों बोलते हैं इसको समझने के लिए अंडरस्टैंड द डीप ब्रेथ थोड़ा डीप में चलते हैं डीप में जाके सोचते हैं कुछ नंबर्स की हेल्प से समझते हैं कि एफ ट्रेडिंग को गैम्बलिंग क्यों बोलते हैं क्या आपको पता है एफ ट्रेडिंग का इन्वेंशन क्यों हुआ था क्यों एफ ट्रेडिंग इन्वेंट हुई थी एफ एन ओ ट्रेडिंग इन्वेंट हुई थी फ्यूचर क्यों इन्वेंट हुआ था फ्यूचर इसलिए इन्वेंट हुआ था कि आप जब जानते हैं कि हम जब इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं कैश में ट्रेडिंग करते हैं तो हम जब ओवरनाइट पोजीशन अपने स्टॉक में बनाना चाहते हैं तो वी कैन टेक अ शॉर्ट पोजीशन हम उसे सेल करके ओवरनाइट नहीं लेके जा सकते हम सिर्फ स्टॉक में इक्विटी में वी कैन ओनली बाय द स्टॉक फॉर द ओवर बट अगर हम उसे ओवर सेल करना चाहते हो तो दैट फैसिलिटी इज नॉट देयर इन द कैश मार्केट सो टू शॉर्ट द टू टेक द शॉर्ट साइड अपॉर्चुनिटी इन द स्टॉक दे इन्वेंटिड द फ्यूचर एंड द ऑप्शन वॉज इन्वेंटेड टू डू हैजिंग क्या होता है जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं अपने पोर्टफोलियो को हैज करने के लिए कि अगर उनके पोर्टफोलियो को जैसे उनके अगेंस्ट मार्केट जा रही है इन्वेस्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट मार्केट जा रही है तो उन अपने पोर्टफोलियो को हैच करने के लिए दे इन्वेंटेड द ऑप्शन कि जहाँ पे उनको लगता है कि मार्केट नीचे आ रही है उनके अगेंस्ट जा रहे हो तो वप्शन के थ्रू वो अपने पोर्टफोलियो को हैज कर सकते हैं कि अगर मार्केट नीचे आ रही है तो हैजिंग कैन सेव दै बट आज के टाइम में आज के टाइम में जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव ट्रेडिंग है हेजिंग के लिए तो मुझे लगता है कोई यूज ही नहीं करता होगा बहुत रेयर जो बड़े प्लेयर्स होते होंगे जो बिग प्लेयर्स है जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो इसको हेजिंग के लिए यूज करते होंगे बट 90% परसेंट रिटेल ट्रेडर नो बट ऑप्शन फॉर द हेजिंग 90% परसेंट मेन रिटेल ट्रेडर आर यूजिंग द ऑप्शन ट्रेडिंग एज अ रियल फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग उसको हेजिंग तो दूर की बात है वो डेली अपनी ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग यूज करते हैं एंड इन लास्ट फ्यू ईयर लास्ट फ्यू ईयर ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि और एक स्टडी बताती है एक स्टडी ये बताती है कि नाइन जो 99.6 मार्केट वैल्यू है ना जो हमारी मार्केट वैल्यू जो ट्रेडिंग होती है 99.6 जो मार्केट वैल्यू होती है वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग से होती है मतलब जो एफ एन ओ ट्रेडिंग हमारी मार्केट वैल्यू में ऐड करती है दैट इज टोटल 99.6 दूसरा अगर आप नंबर्स में बात करें तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग इज फोर हंड्रेड डेरीवेटिव ट्रेडिंग इज फोर हंड्रेड टाइम ग्रेटर देन द इक्विटी ट्रेडिंग मतलब अगर इक्विटी ट्रेडिंग एक है तो उससे चार सौ गुना ज्यादा अगर एक बंदा इन इक्विटी ट्रेडिंग करता है तो उससे चार सौ टाइम्स ज्यादा बंदा डेरीवेटिव ट्रेडिंग करता है कि इतना ज्यादा वाइड हमारी डेरीवेटिव ट्रेडिंग है और इट इज़ नाइन हंड्रेड टाइम ग्रेटर देन द डिलीवरी ट्रेडिंग मतलब जो हम इन्वेस्टिंग करते हैं या ओवर नाइट पोजिशन लगाते हैं उससे नाइन हंड्रेड टाइम ग्रेटर दैन इज द डेरीवेटिव ट्रेडिंग तो इन नंबर से आपको क्या पता चलता है कितने ज़्यादा बंच ऑफ पीपल आर अट्रैक्टिव टू द डेरीवेटिव ट्रेडिंग और आपको पता है एक स्टडी ये भी बोलती है कि जो एवरेज एज है ना जो पीपल आर यूजिंग द डूइंग द डेरीवेटिव ट्रेडिंग इज ओनली ट्वेंटी फाइव ईयर सो so, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जो यंग जनरेशन है जो न्यू पीपल है जो इन एक्सपीरियंस पीपल कह सकते हो कि जिनको अभी मार्केट का एक्सपीरियंस भी नहीं है न्यू है दैट आर मोर अट्रैक्टिव टू द डेरीवेटिव ट्रेडिंग इन ऑफ इक्विटी एंड कैश ट्रेडिंग और इसके अगेंस्ट एक ये स्टडी बोलती है कि जो एवरेज एफ ऑफ एज ऑफ इन्वेस्टिंग इज़ दैट इज़ थर्टी फाइव ईयर तो जो मोर एक्सपीरियंस पीपल है दैट आर मोर इन्वॉल्व इन टू द इन्वेस्टिंग बट जो न्यू जनरेशन है यंग पीपल है जिन्होंने you know, अपने कैरियर की अभी शुरुआत की है दे आर मोर इंगेज इन टू द डेरीवेटिव ट्रेडिंग क्योंकि दे आर हेयर टू मेक अ क्विक मनी उनको लगता है कि डेरीवेटिव ट्रेडिंग से दे कैन मेक अ क्विक मनी एंड इसमें एक और स्टडी ऐड करती है कि जो एवरेज टाइम ऑफ होल्डिंग इज द ऑफ इन द डेरिवेटिव ट्रेडिंग इज ओनली थर्टी मिनट इसका मतलब जितने भी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है दैट इज ओनली एंड ओनली इंट्रा ट्रेडिंग थर्टी मिनट मतलब लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप डेरिवेटिव ट्रेड कर रहे हो तो आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड नहीं करते हो आप होल्ड uh, ट्रेड करते हो जल्दी से निकल जाते हो तो इसका मतलब मोर आर द पीपल हु आर डूइंग द डेरीवेटिव ट्रेडिंग आर मोर इन टू द इंट्राडे और स्कैल्पिंग क्योंकि थर्टी मिनट एवरेज इज वेरी लेस होल्डिंग टाइम इसका मतलब जो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर डूइंग द डेरिवेटिव ट्रेडिंग आर मोस्ट मोर इन्वॉल्व इन इंट्राडे ट्रेडिंग इन बी टी एस टी या लॉन्ग टाइम होल्डिंग के लिए नहीं रखते हैं वो सिर्फ लेते हैं प्रॉफिट बुक करते हैं और जल्दी से अपने ट्रेड को क्लोज कर देते हैं ये नंबर आपको क्या बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव ट्रेडिंग है दैट इज द डेरिवेटिव ट्रेडिंग एफ एन ओ ट्रेडिंग और एफ एन ओ में से भी सबसे ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग और ऐसा क्यों है ऐसा क्यों है टॉक अबाउट द रीजन बिहाइंड इट लेट्स टॉक अबाउट द रीजन बिहाइंड इट कि ऐसा क्यों है कि एफ एन ओ ट्रेडिंग सबसे ज्यादा पॉपुलर है इसका सबसे बड़ा रीजन है मार्जिन आपको पता है कुछ साल पहले हमें जो मार्जिन बेनिफिट मिलते थे हम स्मॉल अमाउंट से फ्यूचर भी बाय कर सकते थे हम स्मॉल अमाउंट से इक्विटी में भी ट्रेडिंग कर सकते थे बट फ्यू दो तीन साल पहले द मार्जन हैव इंक्रीज द सेवी हैव इंक्रीज द मार्जन कि अभी अगर मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करनी चाहिए करनी है तो वी नीड अ्यूज मार्जन अगर मैं इक्विटी ट्रेडिंग करनी है तो वी नीड अ्यूज मार्जन ट द पीपल हुड अ लेस मनी जिनके पास uh, कम uh, पैसे हैं कम कैपिटल है नाओ दे कांट डू द फ्यूचर ट्रेडिंग नाउ दे कांट डू द इक्विटी ट्रेडिंग टू वट ऑप्शन लेफ्ट विद दैम दे ऑप्शन लेफ्ट विद दै मीन्स ऑप्शन ट्रेडिंग सेकेंड रीजन ये है कि अगर आपके पास छोटा अमाउंट भी है अगर आपके पास दस हज़ार भी है तो वन पर्सन गैन ईजिली डू द ऑप्शन ट्रेडिंग एक बंदा दस हज़ार रुपये भी ला के स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता है तो जो बंदों के पास छोटी कैपिटल है स्मॉल ट्रेडर है तो उनके लिए होता है कि हमारे पास और तो कोई ऑप्शन नहीं है लेट्स डू द ऑप्शन ट्रेडिंग नंबर थर्ड रीज़न इज़ दैट कि ऑप्शन ट्रेडिंग सबको बहुत ही ज़्यादा ईजी और क्विक मनी मैथड लगता है मार्केट में पैसा कमाने का सबको क्या लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ वेरी इजी वे टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट इसके लिए मैं नहीं बोलूंगी कि, कि रिटेल ट्रेलर गलत है कि उनको क्यों ऐसा लगता है इसके लिए मैं बोलूंगी सोशल मीडिया इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट क्योंकि सोशल मीडिया पे ना काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ होगी कि पीपल आर शोइंग दे सो मच ह्यूज प्रॉफिट मैं इतना कमा रहा हूँ मैं ये कमा रहा हूँ मैं वो कमा रहा हूँ एंड दैट गिविंग द थिंकिंग दैट कि स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना तो बहुत ईजी है द रियलिटी इज़ दैट कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना इतना ईजी नहीं है और आप ऑप्शन ट्रेडिंग से स्पेशली ऑप्शन बाइंग इतनी ईजी नहीं है कि आप रोज़ हीरो ज़ीरो करो जो डेली एक्सपायरी आ गई तो पीपल आर थिंकिंग ही करना क्या है रोज़ बस चार दो तीन रुपये की ऑप्शन खरीदो और वो जाके सीधा सौ रुपये की होगी आई आई कैन मेक इजली मनी एवरी डे एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल इतना ईजी नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना बट द सोशल मीडिया इज गिविंग अ पिक्चर टू दा पीपल दैट की स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना बहुत ईजी है सो ये जो मैंने नंबर्स की बात करी है ये मैंने रीजनस की बात करी है ये जो नंबर्स है ना ये आपको ये बताते हैं कि कितने ज़्यादा बंदे स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं और स्पेशली एफ एन ओ ट्रेडिंग में आ रहे हैं और स्पेशली डेरीवेटिव ट्रेडिंग में आ रहे हैं एंड दे आर इन एक्सपीरियंस वो क्या कर रहे हैं एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए आ रहे हैं बस अपने पैसे कमाने के लिए आ रहे हो और दैट आर मेकिंग द एफनो ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग अगर आज के स्टॉक मार्केट में अगर मैं बात करूँ तो नाइन्टी परसेंट जो बंदा होगा ना देट इज़ हेयर फॉर द क्विक मनी वो बस उनको बस कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा कोई सेटअप नहीं होगा बस आए बस पैसा कमाना है मुझे और दैट आर मेकिंग अ स्टॉक मार्केट इन द गैम्बलिंग सिर्फ दस परसेंट ऐसा बंदा होगा विच आर हेयर द स्टॉक मार्केट एज अ सीरियस बिजनेस जो अपना कैरियर बनाने के लिए दस दस परसेंट भी मैं ज्यादा बोल रही so, हूँ सिर्फ पांच परसेंट ही ऐसा बंदा होगा वो आर हेयर इन द स्टॉक मार्केट टू मेक देयर कैरियर इन द स्टॉक मार्केट वू आर हेयर इन द स्टॉक मार्केट टू टेक इज एज अ सीरियस बिजनेस नॉट एज अ गैम्बलिंग तो जो नाइन्टी फाइव परसेंट पर्सन है आर हेयर इन द स्टॉक मार्केट टू मेक अ क्विक मनी बस उनको पैसा चाहिए दे आर मेकिंग इज द स्टॉक मार्केट एज अ गैम्बलिंग अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो टेक इट एज अ सीरियस बिजनेस अगर आप पैसा सिर्फ पैसा कमाने के लिए आ रहे हो तो डोंट कम देन यू आर डूइंग द गैम्बलिंग अगर आप प्रॉपर एक सीरियस बिजनेस के लिए आ रहे हो आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो प्रॉपर ट्रेडिंग करना चाहते हो दैन कंप्यूटर स्टॉक मार्केट डोंट कम फॉर द क्विक मनी क्योंकि अगर आप क्विक मनी के लिए आ रहे हो तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो सो गाइज दैट्स इट फॉर टूडे वीडियो गाइज एंड आई होप इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि स्टॉक मार्केट इज नॉट दैट ईजी एफ एन ओ ट्रेडिंग इतनी ईजी नहीं है वाई पीपल से एफ एन ओ ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग नॉट आर ट्रेडिंग सो आई होप इस वीडियो से आप कुछ लेसन लोगी और जो वार्निंग आपको रोज़ सुबह एक अपना ब्रोकर देता है उसको पढ़ोगे और उसके बाद सोचोगे कि वट कैन आई डू दैट कि मैं इन आई कैन बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय